दोस्तों, इस संसार में ना जाने कितनी अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। आपने एक बात अपने आसपास जरूर नोटिस की होगी कि बिल्ली कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए पर उसे चोट नहीं लगती है। आपने जरूर एक या दो बार ऐसा देखा होगा कि बिल्ली काफी ऊंचाई से गिरी पर वो मरी नहीं, सीधे उठी और चली गई। इसके पीछे एक वजह होती है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही यार बहसबाजी, चलो करते हैं अब फैक्टबाजी। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना अमेरिका में भी हुई थी साल 2012 में। वहां पर भी एक बिल्ली 19 मंजिला इमारत से कूद गई थी, पर अचंभे की बात यह थी कि उसे गिरने के बाद भी बस मामूली खरोचे आए। इसकी वजह क्या थी? 1987 में एक ऐसा अध्ययन हुआ था न्यूयॉर्क में एक पशु चिकित्सालय में। वहां पर 132 ऐसी बिल्लियों को लेकर आया गया था जो किसी एक ऊंची इमारत से गिर चुकी थी। इनमें से 90% बिल्लियां बच गई थी और मात्र 37% का ही इलाज करना जरूरी पड़ा था। जिनमें से एक बिल्ली तो ऐसी थी जो 32 मंजिल से गिरी थी और बिल्ली का सिर्फ एक दांत ही टूटा था और फेफड़े में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, मगर वो भी 48 घंटे के बाद छोड़ दी गई थी। किसी चीज के गिरते समय नीचे पहुंचने पर उसकी अंतिम गति को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ये नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर धकेलने वाली हवा के बल का फल होता है। 1987 में हुए अध्ययन में पाया गया कि बिल्लियों के गिरने की टर्मिनल वेलोसिटी इंसानों, घोड़ों या अन्य जीवों से काफी कम होती है। उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो एक सामान्य आकार की बिल्ली अगर अपने चारों पैर को फैलाकर गिरती है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, मगर यदि इसी ऊंचाई से इंसान गिरे तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। बिल्लियां जब ऊंचाई से कूदती हैं या फिर गिरती हैं तो उसके पंजे की जो प्लेट है वो फ्री होती है और पंजा जो है वो फैल जाता है। इसके कारण शॉक को अवशोषित करने वाली बाइसेप, फेमेरियस और हैमस्ट्रिंग मसल एक्टिव हो जाती है और बोन मसल्स के कारण सारी ऊर्जा जो है वो अवशोषित हो जाती है और इम्पैक्ट जो है वो जीरो हो जाता है। अगले पांव और पिछले पैर की बनावट ऐसी होती है कि जो जोड़ है बिल्ली के पैर के वो ढीले हो जाते हैं। बिल्ली कभी भी पीठ के बल नहीं गिरती है। अगर बिल्ली को आप पीठ के बल गिराने की कोशिश करेंगे तो बिल्ली पीठ के बल ना गिरके वो अपने आप को सीधा करके हमेशा पेट के बल ही जाएगी, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो पीठ के बल गिरेगी तो वो मर जाएगी। तो क्या करती है, वो हवा में ही अपने आप को उल्टा कर देती है, यानी कि पैर के बल आ जाती है और अपने पैरों को एकदम खोल लेती है, पंजों की जो प्लेट है उसको भी खोल लेती है और जो उसका आकार हो जाता है वो अपने वजन के हिसाब से काफी बड़ा हो जाता है, जिस कारण वो जब नीचे गिर रही होती है तो हवा जो है उसके बड़े शरीर से टकरा जाता है। तो जब हवा उससे बड़े शरीर से टकराती है तो इस कारण जो उसका वजन है वो उसके शरीर का आधा हो जाता है और बोलो तो कम हो जाता है। जब वो नीचे गिरती है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक कर दो यार, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जहां हम फैक्ट्स की, देश दुनिया की और रहस्य की बातें करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और आपका धन्यवाद।